हम छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के साथ बैठे, आप पीछे देखिए बहुत बड़ा धरना चल रहा है और आज विशेष था कि आज मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं अपना सर। लोग दशगात्र मुंडन कराते हैं लेकिन ये आज अपना मुंडन करा के मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहते हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये आने वाले समय में, ये देखिए मुंडन चल रहा है सबका, ये देख सकते हैं आप। और ये जो बैठे हैं सब भाई लोग हैं यहाँ पे और सभी सफाई कर्मचारी हैं और अपना अस्तुरा से मुंडन करा रहे हैं, ये फाइनल चल रहा है टच। बताइए आप लोग का मांग क्या है और किस विषय में आप लोगों ने ये मुंडन कराया है? हालांकि दशगात्र में मुंडन होता है लेकिन आप लोगों को क्या कराने की जरूरत पड़ गई? आज हम 11 वर्ष हो गया जब हम अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, हम अपनी मांगों पर हर तरह से सरकार को संदेश देना चाहा लेकिन आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रहा है सरकार। इसलिए हम आज सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अपनी मांगों पर हम अपनी मांगों पर अटल हैं, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। इसलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाला समय में भी हम और अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज हम अपना मुंडन करवा के सरकार को संदेश दिए हैं। आप कहाँ से हैं? कोंडागांव जिले से हैं हम, बस्तर संभाग से। मेरा नाम खेमलाल उसेंडी है और आदिवासी भी हैं आप? हाँ, आदिवासी भी हूँ। और जबकि आदिवासी ने कांग्रेस का बहुत समर्थन किया है और जब ये सरकार नहीं आई थी तब आप लोग को इन्होंने वादा किया था। हाँ, वादा तो किया था, घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से लिखित में दिया है कि हम 10 दिन के अंदर में अपनी सरकार बनती है तो हम अपना वादा निभाएंगे बोल के। लेकिन आज 11 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक कोई सरकार हमारे बातों पर ये नहीं कर रहा है, इसलिए हम आज अपना मुंडन कर। हम इनसे भी बात करते हैं। बताइए आप इसके पहले कब मुंडन कराए थे, आपको कब याद है आपने मुंडन कराया था? जी मैं कभी इससे पहले कभी मैं मुंडन नहीं करवाया था, बचपन में एक बार करवाया था। सरकार ने आपको मुंडन कराने के लिए मजबूर कर दिया? जी हमको सरकार ने मुंडन करवाने के लिए मजबूर करवा दिया। भूपेश बघेल जी को क्या बोलना चाहते हैं, बस्तर की आवाज है आप? भूपेश बघेल को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारा मांग को पूरा करवा दें। हम बस्तर संभाग से आए हैं, पैदल यात्रा 18 तारीख से निकले हैं, हम लोग का मांग को पूरा करवा दें। जिले से आप? हम कोंडागांव जिले से हैं। आप जो है शिक्षा मंत्री को भी, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री का भी हाथ है, हम तो महासमुंद जिलक हैं। हाँ। सतन कुमार निषाद हम आपका नाम। हाँ। तो हम अपना जो मांग है ना उसको हमको पूरा कीजिए, पूरा करना चाहते हैं। ये देखिए हम अभी थोड़ा उठते हैं और यहाँ और लोगों से भी बात करते हैं, जरूरी नहीं मुंडन कराने से ही है, लेकिन लोगों का समर्थन है। आप कितने लोग का बाल काटे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ? पांच लोगों का बाल काटे हैं और यहाँ सैकड़ों लोग, कितने सैकड़ों लोगों का बाल कटा है? 6 लोगों। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बाल कटा है, इन्होंने 5-6 करके अलग अलग लोगों ने बाल काटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो आपके स्कूल में बच्चे होते हैं वो सफाई में और स्वच्छता के कारण यहाँ इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ पे स्कूल का झाड़ू पोछा से लेकर जितनी भी सफाई होती है उसको, टॉयलेट क्लीनिंग भी इनके माध्यम से होती है और ये महत्वपूर्ण अंग है। अगर सफाई नहीं होगी तो वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम और लोगों से बात करते हैं, आप भी कहाँ से हो आप? मैं कोंडागांव जिला से हूँ। बस हम लोग एक ही मांग है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन कर दे, बस एक ही मांग है। अंशकालिक में अभी आप लोगों को कितना वेतन मिल रहा है? अभी हमको 2300 मिल रहा है, उससे हमको घर पोषण नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या आप सर जी, मैं सरकार को ये मुंडन के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज हमारे सफाई कर्मचारियों को ऐसा मजबूर कर दिया है कि अपने आप को मुंडन कराने में, जिस प्रकार आज मुंडन करके अपने आप को सफाई कर्मचारी कहला रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा जिस प्रकार हम लोग सफाई हैं वैसे प्रकार वो भी एक दिन साफ हो जाएगा। ये देखिए सरकार साफ हो जाएगी अगर इनकी मांग नहीं की जाए, पूरी की जाएगी। ये अब भूपेश बघेल तो आने वाले समय में उसको हम लोग भी झाड़ू मार के साफ कर देंगे। भूपेश बघेल सरकार बहुत सारे वादे करके आई थी और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो वादे अब सॉरी गले की हड्डी बन गई है और अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ लगभग इनके, आप लोग के कितने कर्मचारी पूरे प्रदेश में? लगभग 46,000 एक हैं। 46,000 कर्मचारी का परिवार अगर वोट समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ गई है जनता
कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से कई बच्चे भी प्रभावित होते हैं। RPL न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, बूढ़ा तालाब, छत्तीसगढ़।